हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चैन मेथड के इस्तेमाल से आसानी से याद कर सकते हैं द बिहाइंड मेथड इज क्रिएट इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन अनरिलेटेड आइटम्स जब आप एक वर्ड के बारे में सोचते हैं इमिडिएटली नेक्स्ट वर्ड आपके दिमाग में आ जाता है तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रॉपर्ट ऑफ मेटल्स नंबर वन मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नंबर टू दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नंबर थ्री मेटल्स हैव शाइनी लस्टर They are good conductors of heat. They are good conductors of electricity. They are dense. They have high density. Number seven, they are malleable and ductile. And number eight, they are sonorous. Sonorous ka matlab hai? They create a deep sound when strike on some object. So these are all properties of metals. आई एम श्योर कई बार काफी प्रिपेरेशन और रिविजन करने के बाद भी एग्जाम में आप कुछ पॉइंट भूल जाते हैं या फिर कई बार याद आते हैं लेकिन एक एक पॉइंट याद करने में काफी टाइम चला जाता है तो किसी भी इंफॉर्मेशन को फास्ट और एक्यूरेटली रिकॉल होने के लिए उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बेस होना चाहिए लेट सी हाउ अ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स याद रखने के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इसके लिए आपको एक सिंपल सा इंसिडेंस इमेजिन करना है हर रोज की तरह आप स्कूल स्कूल गए का गेट आपसे खुल नहीं रहा था इट वेरी हार्ड टू ओपन उसी वक्त आपका दोस्त जिसका नाम शाइनी है वह आता है शाइनी इज स्ट्रॉगर पर्सन क्योंकि हर रोज डाइट में लस्सी और बटर लेने की उसकी आदत है इसने आसानी से गेट खोल दिया और आपने इंप्रेस होकर कहा तुम तो सॉलिड हो यार आपकी हरकते वेटिंग रूम में बैठे वॉचमैन अंकल देख रहे थे रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वो काफी हीट फील करके हो चुके थे यहाँ आप अपनी क्लासरूम तक आ गए और आपने देखा कि क्लासरूम के अंदर तो कई सारे बच्चे हैं जिससे क्लासरूम काफी डेंस लग रही है फिर आपने डिसाइड किया कि क्लासरूम से अच्छा है मैं किसी गार्डन में जाके बैठता हूँ गार्डन में कुछ बेल बज रही थी जिससे रिदमिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और उस साउंड पे वह मलाडक्स नाच रहे थे और अब हम समझते हैं कि इस कहानी से प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का क्या कनेक्शन है तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को याद याद करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राय। सबसे पहले हम स्टोरी याद करेंगे। स्कूल गेट आपसे खुल नहीं रहा था क्योंकि वह हार्ड था आपके दोस्त का नाम था शाइनी। शाइनी को लस्सी बटर पसंद है एंड स्ट्रॉन्गन पर्सन उसने आपको गेट खोलने में मदद की तो आपने इम्प्रेस होकर कहा तुम तो सॉलिड हो वेटिंग रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जिससे अंकल हीट फील कर रहे थे क्लासरूम में आपने एंट्री नहीं की क्योंकि वह जगह नहीं थी क्लासरूम वॉज डेंस फिर आप गार्डन चले गए और गार्डन में साउंड प्रोड्यूस हो रहा था जिसके ऊपर नाच रहे थे तो हमारा इंटरेस्ट मेनली इन की में था पॉइंट नंबर वन मेटल्स आर हार्ड नंबर टू दे हैव शाइनी लस्टर लस्सी बटर से आपको याद आ जाएगा लस्टर पॉइंट नंबर थ्री इज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग metals are solid at room temperature. number 5 they are good conductors of electricity and number 6 they are good conductors of heat. metals have high density. metals are malleable and metals are ductile. मल्लर से मैलियबल याद आएगा और डक से आपको याद आएगा डक्टाइल. next point, metals produce sound when struck with hard object. किसी hard object के ऊपर टकराने के बाद metals deep sound produce करते हैं. इसके लिए कलेक्टिव वर्ड है सोनोरस आप लिख सकते हैं मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस डीप साउंड दे आर हार्ड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप पढ़ाई को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से याद रख सकते हैं इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन हमारे ब्रेन की इनबिल्ड क्वालिटीज है इन क्वालिटीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके पढ़ाई को बहुत आसान और स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है